नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भारत के खुद के ऐप स्टोर के बारे में, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। इस ऐप स्टोर को लॉन्च किया है भारत की एक बहुत ही रिलायबल एंड प्रोमिनेंट पेमेंट कंपनी फोनपे ने। और दोस्तों, इसी वजह से ये वाला ऐप स्टोर भी बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। इस ऐप स्टोर पर ऑलरेडी सभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लिस्ट हो चुकी हैं, बेसिकली उनकी एप्लीकेशन लिस्ट हो चुके हैं। जिन सभी एप्लीकेशन को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते थे, वो सभी एप्लीकेशन आप अब यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मोस्ट प्रॉबेबली दोस्तों, जो आगे फोन बनने वाले हैं उन फोन्स में ऑलरेडी ये वाला ऐप स्टोर डाउनलोड हो करके आएगा। बट आज की डेट में जो आप फोन यूज कर रहे हो, जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ, इन वाले फोन्स में अपन इंडस ऐप स्टोर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और दोस्तों इस वाले ऐप स्टोर को यूज करने के क्या क्या एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े फायदे आप लोगों को होने वाले हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी चीजें पता चलने वाली हैं, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग से बात करते हैं। तो इस ऐप स्टोर को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहां से आप लोग इस ऐप स्टोर को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को सिंपली गूगल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है इंडस ऐप स्टोर। आप लोगों को सिंपली पहली ही इस टाइप की लिंक देखने को मिल जाएगी, आपको सिंपली उसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर बेसिकली स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को और भी सारी चीजें पढ़ पाओगे, बट वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में बता ही दूंगा। तो आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड इंडस ऐप स्टोर पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों आप लोग डाउनलोड इंडस ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को सिंपली डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इंडस ऐप स्टोर की बेसिकली एक एपीके फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। तो जैसे ही वो वाली फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो उसके बाद एक ओपन करने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली वो फाइल आप लोगों को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा। यहां पर बेसिकली ये पूछेगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल द ऐप। तो सिंपली आप लोगों को इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आप लोगों के सामने सिंपली इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप लोगों को अपनी लैंग्वेज चुननी है। यहां पर बेसिकली आप लोगों को 12 इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी लैंग्वेज को चुनना चाहते हैं यहाँ पर चुन सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने फोन पे पर अपना अकाउंट पहले से बना रखा है और वही वाला फोन नंबर यहाँ डालोगे जो आपने फोन पे पर डाल रखा है, तो ये वाला ऐप स्टोर आप लोगों की प्रोफाइल की लगभग सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और अगर आपने फोन पे पर अपना अकाउंट नहीं बना रखा है और यहाँ पर आप अपना नंबर डालोगे, तो ऑटोमेटिकली फोन पे पर भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों, इस ऐप स्टोर की भी बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को जीमेल आईडी डालने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर दोगे। उसके बाद आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि अब आप लोगों को क्या करना है। तो बेसिकली आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर सिंपली आप लोगों को अलाउ एप्स फ्रॉम दिस सोर्स वाले ऑप्शन को ऑन करके वापस बैक चले जाना है। और दोस्तों, इसके बाद ये ऐप स्टोर आप लोगों से डिवाइस लोकेशन लिए कहेगा, तो आप लोगों को वाइल यूजिंग द ऐप कर देना है और बस आप लोगों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगी इस वाले ऐप स्टोर पर कंप्लीट। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग इंडस ऐप स्टोर से कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो आप करना चाहो, और डाउनलोडिंग की कंप्लीट प्रोसेस वैसे ही रहेगी जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे आप लोग एप्पल के ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो, तो कंप्लीट प्रोसेस वैसे ही रहने वाली है। तो बेसिकली दोस्तों, ये सिंपल सा इंटरफेस होता है इस वाले ऐप स्टोर का। यहाँ पर बेसिकली आप लोग 3 डॉट्स पर जाओगे तो आप लोगों को ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अपनी लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, तो सिंपली आप लोगों को सर्च ऐप वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे मान के चलते हैं अपन शादी.com सर्च करना चाहते हैं, तो सिंपली अपन ने यहाँ से सर्च कर दिया और ये ऑप्शन आ गया, तो अपन सिंपली इसी पर क्लिक कर देते हैं। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि इसका बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पर 4.2 स्टार की रेटिंग है, 50 MB की ये डाउनलोड फाइल साइज होगी जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, एंड इंस्टॉल साइज इसकी होगी 173 MB की। एंड जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे, ये एप्लीकेशन आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक यूजर पर्सपेक्टिव से अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो ऐप्स आते हैं वो कंप्लीटली वेरीफाइड होकर के आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैन एंड वेरीफाइड, तो इनकी जो एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी पार्टनर है उनके द्वारा 7-स्टेप सिक्योरिटी चेक होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को जेन्युइन एंड ऑथेंटिक ऐप्स ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इनका ऐप स्टोर यूज करते हुए कभी भी कोई भी समस्या आती है, तो आप डायरेक्टली इनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। यहाँ पर जो लैंग्वेजेस आप लोगों को दिखाई गई थी, उन सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पर कस्टमर केयर अवेलेबल रहेगा, तो आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आप डेवलपर हैं, यहाँ पर आप अपना ऐप खुद लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। तो फाइनली आई होप दोस्तों, आप लोगों को इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग लगभग सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप अभी भी कॉमेंट कर सकते हो, मैं कॉमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं, एंड यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 वीडियोज रिकमेंड करूंगा। एक तो है स्टेबल मनी का ऐप, जहां पर आप लोगों को बहुत अच्छी एवरेज देखने मिल जाती है, और दोस्तों दूसरा है सुगो ऐप, जो कि बेसिकली एक डेटिंग ऐप है। ठीक है, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।